क्या कर रहे हो ये? और धमाकेदार पड़ी है ना बारिश। सेल्फ सर्विस यहाँ पे हो रही है। ये हमारी मैडम जाने के लिए बहुत जल्दी। आपको बहुत कैसा लगा? अच्छा लगा, आप देख सकते हो एकदम। आपको रियल रिव्यू दे रही हूँ मैं भी, जस्ट दी। हम तो राखी बांधने आ गए, आप तो मेहंदी लगा रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मम्मी आज गए हैं बाहर और मैं अभी अकेली हूँ। भाई जी काम कर रहे हैं, फाइनली भाई जी आ गए हैं इसलिए बढ़िया है। और अभी जस्ट पूजा हुई है कंप्लीट, तो मैं अब बना लेती हूँ खाना, क्योंकि फटाफट से खाना बना के 10:30 तो हो गई है मुझे। फटाफट से खाना बना के फिर जाना है मुझे शॉप पे। और आज तो मुझे राखियाँ लानी है, मिठाई लानी है, बहुत सारे काम है, क्योंकि आज शाम को ही हम जा रहे हैं राखी बांधने के लिए। आज जाएंगे, कल सुबह आ जाएंगे। पर चुकू यार, कल जाने के, कल मना बोल रहे हैं, कल नहीं रुकेगी, पर थोड़ा सा तो मैं मनाऊंगी यार, एक दिन तो रुके शांति से कम से कम। तो चिकू से बात करती हूँ और खाने में क्या बनाऊँ वो भी पूछ लेती हूँ। खाना चिकू ने बोला कुछ भी सिंपल बना दो, तो सिंपल में आज ये बनाया है। कल रात के चावल बच गए थे तो उसको कर दिया है फ्राई। और ये हमारी रोटी, ये दाल। तो खाना कंप्लीट बन चुका है, 12 बज गई हैं अभी। बाकी भी काम थे और भाई जी काम कर रहे थे इसलिए सब बताना भी था। मम्मी नहीं है इसलिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, अगर मम्मी होते तो इतना नहीं हो पाता। क्या कर रहे मिट्टू? पापा ने पपीता ला के दिए तो खा रहे। वह डिस्टर्ब नहीं कर रही, वह चल चल। तो अभी चिकू और पापा दोनों को खाना खाने के लिए बुला देती हूँ, दोनों को फ़ोन करती हूँ, दोनों आ जाएंगे बारी बारी, फिर अपन खा के रवाना शॉप पे। ये खाना हमारा, खाने के लिए बैठ गए, चावल थोड़ी देर बाद लेंगे, रोटी हो जाए फिर मैं और चिकू खा लेते हैं। मम्मी आ गए हैं, जहाँ गए थे वहाँ से, तो मम्मी पापा को खिला देंगे क्योंकि मम्मी का तो खाना वहीं पे हो गया है। अभी राखी लेने जाना है तो एक बार लिस्ट बना रही हूँ राखियों की, क्योंकि नहीं तो फिर रह जाएंगे। राखी लेने निकल तो गए अभी, पर बारिश का मौसम फुल हो गया है और बिल्कुल बाहर तो इतनी हरियाली होगी, बाहर वाली घास कितनी बड़ी होगी। चिकू का फ़ोन आया है अभी और कह रहे हैं तो बाहर निकल तो सही। और ओ बाप रे, अंधेरा हो गया। ओहो पूरा था, बाप रे गजब की बारिश। ये लड़का है, ओहो हो, बाहर तो पटाखे फूट रहे। बाहर की बारिश देखो, चलिए आगे कैसी बारिश हुई है। नीचे तो राखी वाली दुकान, तो लाइट लग रही है, ऐसा लग रहा है रात हो गई है। मैं खुद अभी राखी लेने जाने वाली थी, क्या पता कैसे जाऊंगी यार फिर। आज नेहा चॉकलेट बना के लेके आई है जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आपको किसी को भी चॉकलेटों का ऑर्डर देना हो मेरे को कमेंट करो। हाँ, क्या बहुत ज़्यादा टेस्टी चॉकलेट लेके आई है नया, देखते से इधर। सच में बहुत अच्छी चॉकलेट है, मैंने तो खा ली। ये चिकू के लिए रहने दी है, चिकू के लिए रहने दी, चिकू टेस्ट करेंगे यूँ करके। तो अभी हम सब जने आ गए हैं, पीछे कस्टमर से हो गए हैं फ्री, फोन कर दिया। अब राखी लेने यहाँ से जाना है, राखी भी लानी है, मिठाइयाँ भी लानी है। पहले ऑप्शन पता होता नेहा को मैं चॉकलेट के ही ऑर्डर देती, पर मैडम बना के देते नहीं थे जल्दी। तो क्या इतनी चॉकलेटें लेके जाती, सबको मजे आ जाते। ये रवा चॉकलेट। अभी हम जा रहे हैं राखी लेने के लिए, राखी लेने का फाइनली मुहूर्त आ गया और बारिश भी बंद हो गई। और धमाकेदार पड़ी है ना बारिश, सर जोरदार बारिश गिरी है। स्ट्रॉबेरी काजू कतली। आपका गला पहले क्यों बैठ गया, राखी कल है। मिठाई खिला दे पूरी। आप दूसरा करो काम, हम कर देंगे। सेल्फ सर्विस यहाँ पे हो रही है। कितना है डिब्बे का वजन? ये डिब्बा ग्रीन कम लेना, सब मिक्स चल रहा है जो हाथ में है। ये इतनी मिठाइयाँ ली है पूरी है।
की शॉपिंग हो चुकी है, अभी जा रहे हैं राखी की शॉपिंग करने के लिए। मिठाई तो भर भर के लिए भाई। राखी इधर आ जाओ एक बार, एक बार तो ये दे दो, फोन दे दो। एक ही चाहिए, एक ही, हाँ एक ही चाहिए। और कौन है? पिलाड़ नौकर है। अच्छा एक बास्केट कुछ दे दो फिर उसके अंदर डालना सही रहेगा। बास्केट वो दे दें, बास्केट पड़ा हुआ है वो। ये वाले प्लेट देख ही है कप्पू और चावल रखने। मैं वहाँ से लस्सी भी के आई। अच्छा काम्या भी फाइनली राखी मनाने घर आ गई है स्कूल ड्रेस में। सो दैट्स कोजी आ गई। तो क्या तो वेकन बीड ये रहा ना बीड जी। शॉप आ गई हूँ और अब थोड़ी बहुत मैं भी तैयारी कर दूँ। कम से कम सैलून है तो आईब्रो तो बनवा ही लेती हूँ, बाकी कुछ तो कराने का मुझे टाइम मिला नहीं है। वैक्सिंग वगैरह थोड़ा टाइम पहले ही हुई थी इसलिए जरूरत नहीं है, पर आईब्रो तो बनवा लेती हूँ। ये हमारी मैडम जाने के लिए बहुत जल्दी कर रही है, आईब्रो बन गई है और अब क्या हो रहा है? हेयर वॉश हो गए, अभी हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे, थोड़े से कम से कम अच्छे लगेंगे बाल यूं करके। और एक जने उनको लेने के लिए भी आ चुके हैं यहाँ पे। ये रहे वो भी स्कूल ड्रेस और हेयर स्पा भी हो रहा है। ये देखो हमारे मैम का हो रहा है फेशियल एंड टाइम पे जाते समय याद आए फेशियल क्लीन अप, क्लीन अप सॉरी क्लीन अप। आपको कैसे लगा मैम हमारा काम? मल्टीटास्किंग है वो। आपको कैसे लगा? अच्छा लगा, आप देख सकते हो मुझे कितना मस्त तैयार कर दिया। लेकिन आपका मेकअप किसने किया है? आईलाइनर लगा ही नहीं है किसी ने। कुछ नया है लेडी गागा। अच्छा यूं के पेमेंट करके जाओगे कि क्या करोगे? नहीं मेरे यहाँ पे खाता चलता है। तो मेकअप कंप्लीट हो गया है, अब हम जा रहे हैं हमारे घर और पैकिंग करते हैं फिर निकलते हैं। काम्या भी रेडी, मैं भी रेडी, अब चलो घर पे आ गई हूँ, अब चेंज कर लेती हूँ और पैकिंग भी कर लेती हूँ कल पहनने वाली साड़ी। कंप्लीट तैयारी हूँ मैं पूरी तैयार होगी। पर चिकू ने अभी याद दिला दिया कि परफ्यूम लगाना रह गया है तो इसके बिगैर तो तैयार होना कैसा ही तैयार होना। मैं भी लगा दूँगी साथ में। तुमसे तो ऑलरेडी खुशबू आ रही थी, मैं तो पिंक मिनर आ रही थी। आगे चढ़ भी दी दो। निकल रहे हैं, मम्मी को भी बोल देती हूँ जा रहे हैं, राखी बांध के आते हैं। मम्मी को बाय बोल दिया है, आई होप बारिश रुकी हुई रहे। मेरे बाल स्ट्रेट किए हैं ना, एक दिन के लिए जाना इतने जोरा झंडे पीछे करके लेके जाना। अब निकल चुके हैं कल्याणपुर के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है, यानी अंदर से इतनी खुशी हो रही है। शॉप पे ही है काम्या, काम्या को वहाँ से पिकअप करते हैं फिर निकल जाते हैं। राखी मनाने बुआ भतीजी दोनों साथ में जा रही है। काम्या को गोद में लेके बैठ जाएगी लैपटॉप। लैपटॉप हाँ ठीक है, तो अब चलते हैं। यार मुझे मेरे हाथ बहुत, अरे हाथ क्या हेयर, वाह हेयर बहुत अच्छे लग रहे हो क्या? बार बार हाथ घुमाने के। मैं ग्लैम की सीरम डाली है इसलिए। कैसी लगी सच सच बता दे। चल बहुत ही स्मूदी है लग रहे हैं, सिल्की स्मूदी शाइनी। एकदम आपको रियल रिव्यू दे रही हूँ मैं भी, जस्ट दिया है इसको सीरम और उसने लगाया है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है इसके बाल। व्लॉग्स लॉन्ग टाइम से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि ये मेरी जगह फेवरेट है जो कि इतनी ही ज़्यादा सुंदर लगती है, पूरी ग्रीन। अभी यहाँ पर रुक के मैंने मेरे फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाए चिकू से, बहुत ही अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट है और मज़ा आ गया यहाँ रुक के। थोड़ा सा आपको दिखा दूँ और बहुत जबरदस्त ग्रीन, वहाँ से थोड़ा सा दिखाओ। कल्याणपुर आ चुके हैं, पापा देख रहे हैं गाड़ी के सामने और अब हम भी उतर जाते हैं।
हम तो राखी बांधने आ गए ना, आप तो मेहंदी लगा रहे हो। हमने मेहंदी नहीं लगाई है। खुश रहो। कैसे है सब जनों के? बस बढ़िया। फटाफट ढोक लेने दो। ओह ब्लेस यू। मैं तेरे लिए राखी बहुत अच्छी वाली लाई हूं। बताओ। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे सबसे बड़े भैया के वहां पर राखी बांधने के लिए, तो लेट्स गो, चलिए। ब्लेस यू बेटा। ये सनको आवी गयो है? सनको खबर नहीं पड़े तू चुप रह चीन। सनको राखी बांध रहे। तेरा पजामा अच्छा लग रहा है, टी शर्ट अच्छा लग रहा है, बात करेंगे वही तो। तो एक भाई को राखी बांध दिया, दूसरे भाई को राखी बांधने के लिए आ चुके हैं भैया को। चिंता पापा नाते बांधने से का जी दे रो मत, फटाफट राखी बांधो भी अभी। बस अभी तो भाई हम लोग आ गए राखी लेने के लिए, और अब राखी लेके जा रहे हैं बाकलाम बा। तब यहाँ तक आ जाएगी राखड़ी। तो हमारे यहाँ पर तो सब जनों को राखी बांधा गई है, अब जा रहे हैं बाकलाम्बा हम राखी बांधने के लिए। यश को सुबह ही बांधूंगी, बाकी सबको बांध दिया, अभी दीपिका को बांधनी बाकी, बाद में देखे। तो मेरी बिंदी चक गई क्या? निव्या को भी जाना था पर किसी कारण बट इतनी खूबसूरत आवाज होने की वजह से मुझे घर पे ही रखा गया है। डरता क्या है? जो अबार जीत जो है हमारा गाना सोड़ सो सोड़ सो। मस्ते कौन उठता है यार? 6 बजे ही उठना चाहिए। काम चोर एक नंबर की काम चोरी है। अरे अरे समझ गया। 4 दिन हो गए नाई नहीं, जब से उदयपुर गई तब से नाई नहीं, काली नाई है पर टेढ़ा टेढ़ा अच्छा है। बढ़िया एकदम तो यहाँ पे वीसी करते हुए पकड़ लिया है राजू क्या को। यहाँ पे श्रीमान ए अंश होटल है ले रहा हूँ। श्रीमान महाराज कर रहे हो ये टावर लगाने पड़ेंगे। अरे वीडियो बना मेरे फोन में। मैं एक से चमक रहा है यार, आईफोन लाना पड़ेगा। तिलक कैसा किया है? जोरदार। अच्छा राखी बन चुकी है यहाँ पर वैदिक भाई साहब की, अब इनको हम मिठाई का पूरा एक पीस खिलाने वाले हैं। तो आप पूरा डब्बा देख सकते हो ट्यूटोरियल। पहले घर बैठे कर रहा था, सब जगह पे राखी बांध गई है, सिर्फ अब 2 जगह पे बाकी है, 2-3 जगह पे बाकी है, तो वो बांध देते हैं फिर फिनिश। यश को कल सुबह मैं राखी बांधूंगी, क्योंकि सुबह राखी बांध के फिर निकल जाऊंगी। उसको यूँ हो रहा है कि मैं को अच्छी तैयार होकर राखी बांधना है, और भाभी और दोनों को ये हम दोनों भी तैयार होने चाहिए ना, तो व्लॉग में हमको लेना। मेरी पकौड़ी का एक दड़ा खाली थी, 11 बजे जो था खाना हो गया हमारा सब जनों का। और खाना खाने के बाद भाभी और हम दोनों ने बैठ के मेहंदी लगाई, मैंने उनको लगा दी, उन्होंने मुझे लगा दी, और थकान भी लग गई है सब जगह घूम घूम के। खाना तो कुछ खा ही नहीं पाए, सब जगह मीठा मीठा ही इतना हो गया था। मैं बस राखी पर मेन चीज़ यही होती है, सब जनों को राखी बांधने जाओ, फिर सब जनों से मीठा खाओ खिलाओ, पेट उसी में भर जाता है बस।
आज की राखी मना दी है, एक दो जगह राखी बांधनी रह गई है, तो कल सुबह बांधूंगी, यश को भी कल बांधूंगी। यहीं पर कर देती हूँ ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। प्लीज़ यार कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो और लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए अच्छे ब्लॉग्स आ रहे हैं ना। बाय।